हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन कपल इन लंदन। मेरा नाम है नितेश मैं हूँ वृंदा। और आज हम एक एजुकेशनल वीडियो लेके आए हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। एक्सपीरियंस लाइक कल्चरल शॉक्स क्या है, इंडिया से जब हम आते हैं तो क्या डिफरेंट चीजें हमें देखने को मिली और शॉक क्या लगा हमें, क्या हमें क्या आउट ऑफ डिफरेंट ऑर्डिनरी लगा। लगा। हाँ, यहाँ पे जो इंडिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। यस, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमें काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगा था यहाँ पे, वो ये है कि जेब्रा क्रॉसिंग को लोग मानते हैं। इंडिया में आधे से ज्यादा जगह तो जेब्रा क्रॉसिंग होती ही नहीं, और अगर जेब्रा क्रॉसिंग बनी भी होती है रोड पे तो उन्हें कोई मानता ही नहीं। तो ये हमें बहुत स्ट्रेंज लगा था कि जब हमने फर्स्ट टाइम रोड क्रॉस करने की ट्राई की तो सारा ट्रैफिक रुक गया था जैसे ही हम जेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुंचे। तो ये काफी आउट ऑफ ऑर्डिनरी था ये रियलाइज करना कि यहाँ पे सब लोग ट्रैफिक रूल्स मानते हैं। और इवन यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस के लिए भी रेड लाइट और ग्रीन लाइट होती है। जैसे अगर बड़ी कोई हाईवे है उस पे आपको क्रॉस करके जाना है एक साइड से दूसरी साइड, तो वेट यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। आपको अपनी ग्रीन लाइट पेडेस्ट्रियन लाइट के लिए वेट करना है। तो ये काफी डिफरेंट चीज थी पर हमें लगता है इंडिया में भी इम्पोर्टेंट है होनी बहुत। चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है कि तो एस्केलेटर जब हम यूज कर रहे हैं, बी इट बिल्डिंग, बी इट मेट्रो और मॉल वगैरह में, तो वी हैव टू स्टैंड ऑन राइट साइड। हम ऐसे नहीं है कि हम कहीं भी खड़े हो गए, लेफ्ट साइड भी खड़े, राइट साइड भी खड़े और ब्लॉक कर दें, ऐसा नहीं होता है। राइट साइड ऑफ एस्केलेटर वी ऑलवेज हैव टू स्टैंड ओवर देयर, ताकि जो लोग ऊपर जाना चाहते हैं और वॉक करके जाना चाहते हैं वो लेफ्ट साइड से क्रॉस कर सके। वरना आप खड़े होगे, कोई भी बोल देगा एक्सक्यूज मी और आपको ऐसे देखेगा, समझ आ जाएगा कि आपकी गलती है। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था तो मैं लेफ्ट में खड़ा हो गया, बट फर्स्ट डे रियलाइज कर लिया ओके ये डिफरेंट है, राइट साइड में खड़े हो, अपना कायदे से चलो। और इंडिया में ये होता है कि जैसे एस्केलेटर है उस पे लोग फैल के खड़े होते हैं, यहाँ बहुत ही सिस्टमैटिकली जब चढ़ते हो हैं जाते हैं तब भी राइट से ही चढ़ते हैं, ताकि लेफ्ट में जिन्हें थोड़ा हरी है तो वो लोग खुद से पैदल मतलब चढ़ के जा सकते हैं एस्केलेटर में, और बाकी जो स्टैंड होके जाना चाहते हैं वो सब राइट में होते हैं। तो बड़ा सिस्टमैटिक होता है और कोई किसी को पुश नहीं करता, कहीं पे भी वेट नहीं करता, तो इतना फास्ट ट्रांजिट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि यहाँ पे मेट्रो को ट्यूब बोलते हैं। तो इंडिया में हम लोग मेट्रो बोलते थे और मेरे को तो इतनी ज्यादा आदत थी मेट्रो बोलने की कि यहाँ पे कोई ट्यूब बोलता था ना एक बार में मुझे समझ में नहीं आता था कि ये ट्यूब क्या चीज है जो सब कोई बोलते हैं। और थोड़ा टाइम लगा था मुझे इस वर्ड के यूज्ड होने में, क्योंकि मैं हमेशा मेट्रो बोलती थी और यहाँ पे ट्यूब बहुत ही कैजुअली बोलते हैं लोग कि ट्यूब में जा रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट बहुत बेसिक है। जैसे हम किसी को, हमें कोई चीज अच्छी लगी तो हम नहीं अप्रिशिएट करना होगा, किसी ने हमारी हेल्प करी हम थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पे थैंक यू भी बोलते हैं और उसके साथ बोलते हैं चीयर्स। तो आपको चीयर्स चीयर्स बहुत सुनने को मिलेगा। चीयर्स ये नहीं कि आपने चीयर्स किया वो नहीं है, चीयर्स अप्रिशिएट करने की जैसे बेसिक है। कॉल आपकी एंड हो रही है, अगर आपका यूके कोई क्लाइंट है तो कॉल आपकी एंड हो रही है तो एंड में बोलेंगे चीयर्स, थैंक यू चीयर्स। तो ये नॉर्मल है, एंडिंग में बोलते हैं चीयर्स। आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया चीयर्स, कॉन्वर्सेशन एंड करे चीयर्स, सी यू लेटर बोलना है उसमें भी चीयर्स। तो चीयर्स बस एक ऐसे, कंफ्यूज मत होना अगर आपको कभी सुनने को मिले, इट्स नॉर्मल थिंग इन यूके। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी एडवांटेज है यहाँ पे, और मुझे लगता है शायद सारी फॉरेन कंट्रीज में होगा कि यहाँ पे कोई भी आपको स्टेयर नहीं करता, आपको देख के अननेसेसरीली स्माइल या फिर एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देता, और कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होएगा कि हर टाइम आपको कोई देख रहा है, क्योंकि यहाँ लोग बॉदर ही नहीं करते। आपने कुछ भी कपड़े पहने हैं, कैसा भी मेकअप कुछ भी किया है, या आप यूजुअली भी जैसे अगर मेल्स फीमेल्स को क्रॉस करेंगे ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता कि वो स्पेसिफिकली आपकी तरफ देखें। और इवन ट्यूब में जब हम लोग बैठे होते हैं ना, इंडिया में क्या रहता है लोग एक दूसरे को ज्यादा देखते हैं, यहाँ पे लोग आई कॉन्टेक्ट भी अपने नहीं में करते। बिजी रहते हैं। हाँ, और इधर उधर देखेंगे, ट्यूब में भी ऊपर देखेंगे, लेकिन एज सच कभी भी आपको घूरेंगे नहीं। तो यहाँ पे ये बहुत ही बैड मैनर्स मानते हैं कि आप अननेसेसरीली किसी को देख रहे हो, किसी की प्राइवेसी को इंट्रूड कर रहे हो। हाँ, इंट्रूड कर रहे हो कि मतलब आप क्यों देखोगे किसी को अननेसेसरीली, आप अपने काम से मतलब रखो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत अच्छा पॉइंट है पेरेंट्स के लिए, पर अब मुझे नहीं पता इंडिया में लोग इसके बारे में कैसे लेंगे, बट हमें ये चीज बहुत पसंद है कि यहाँ पे कोई भी किसी के बेबी को
या बच्चे को कभी भी टच नहीं करता या अननेसेसरली अटेंशन नहीं देता। अभी जैसे उन्होंने बोला था प्राइवेसी इंक्लूड नहीं करनी, वो एक उनका पर्सनल स्पेस है, आप उसमें इंक्लूड मत करो, दूर से देखो, आपको स्माइल पास करो, दैट्स इट, उसके चीक पुल मत करो, जो बहुत ज्यादा देखा है होता है बट यहाँ पे नहीं होता और ना करना है किसी को भी। और इंडिया में ये भी होता है, जैसे आपके पास से बच्चा जा रहा है, लोग रैंडमली उसके सिर में हाथ लगा देते हैं, कितना प्यारा है ऐसे कुछ बोल देते हैं, यहाँ बिल्कुल कमेंट नहीं करते किसी के बेबी पे। और ना टच तो मतलब भूल ही जाओ, अगर आपने टच कर दिया ना तो उन उसके पेरेंट्स बहुत नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। कोविड का टाइम, कोविड के बाद से तो वैसे ही ये बहुत नेगेटिव चीज है, तो पहले भी नहीं करना था और अब तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं टच तो किसी को करना। सो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको दिखता है कि कोई सामने से आपके जा रहा है और उसके बैग से या कहीं से भी कुछ गिर गया है उसका सामान, ठीक है, आप जैसे कि नॉर्मल कॉइन गिर गया, हाँ वॉलेट गिर गया, कुछ भी हो सकता है, हाँ कुछ भी, तो आप उसे एड्रेस करके बुलाओ और उसे बोलो कि गिर गया, इंस्टेंट कि आप खुद उठा के उसे हैंड ओवर करो। कई बार लोग ऐसे परसीव करते हैं कि आप चोरी कर रहे हो, ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है, अगर आप उठा के दे रहे हो तो ट्राई टू अवॉइड दैट, क्योंकि वो उनका एकदम से स्प्लिट रिएक्शन ये होता है कि इसकी इंटेंशन में भी नोआऊंगा, मेरे लिए किसी ने बैग से निकाला हो और गलती से मैंने देख लिया तो बोल रहा है कि ओ नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं लंदन में, तो आपको श्योर नहीं होता कि किसकी इंटेंशन कैसी है, हो सकता है पिकपॉकेटर्स भी हो। हाँ, बहुत होते हैं। और ऐसा पॉइंट है जो तुम्हें थोड़ा अनयूजुअल लगा था यहाँ पे? यहाँ पे लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अगर आप उन्हें जैसे हमने बोला था एस्केलेटर पे चल रहे हैं तो साइड से जगह दी, दे विल से थैंक यू, और अगर कोई आपको टकरा जाता है या थोड़ा सा होता है ना कि यहाँ से निकल रहे हो इधर हो गए इधर हो गए, तो उसमें भी थैंक यू बोलते, हर छोटी चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं, दे आर वेरी वेरी पोलाइट, बहुत ज्यादा होते हैं। मैनरिज्म, मैनरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है यहाँ पे, जो प्रॉपर ब्रिटिश है दे हैव वेरी गुड मैनर्स। सॉरी थैंक यू तो मतलब बेसिक है ये, तो हर टाइम मतलब थक जाएंगे बोल बोल के, हमें लगता है कि थकते नहीं है सॉरी थैंक यू बोल के, बट नहीं, ये हमेशा हर छोटी चीज को अप्रिशिएट करते हैं, विच इज गुड, आपको करना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा सेफ है, मतलब अगर अकेले भी ट्रैवल करना है तो इट इज वेरी वेरी सेफ। अनयूजुअल इवेंट्स कहीं भी हो सकते हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है, वो तो वर्ल्ड में हर जगह आपको थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है, पर अदरवाइज रिलेटिवली बहुत ज्यादा सेफ है। इवन रात को भी अगर आपको कम्यूट करना है तो इतना मतलब आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है यहाँ। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि किसी का भी हस्बैंड है या फिर बॉयफ्रेंड है या फिर मतलब गर्लफ्रेंड है या लिव इन में रहते हैं, कुछ भी है, यहाँ पे कोई भी ये नहीं किसी से क्वेश्चन करता कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है, हर कोई पार्टनर बोलता है, मतलब वो ये जानना ही नहीं चाहते कि आपका अपने आपका रिलेशनशिप है, स्टेटस क्या है, स्टेटस से उन्हें मतलब नहीं है, मतलब वो आपकी प्राइवेसी नहीं इंट्रूड करते, वो ये कहते हैं आपका पार्टनर कैसा है। हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं पार्टनर, वो एक तो जेंडर न्यूट्रल हो गया पार्टनर, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी के प्रेफरेंसेस, सेक्सुअल प्रेफरेंस को आप ऑफेंड ना करो, तो इसलिए पार्टनर न्यूट्रल वर्ड यूज करते हैं हर चीज को, हर किसी के लिए, कोई भी हो। गेज लेस्बियंस भी है बहुत और लोग बहुत ओपन है कि ठीक है आपकी चॉइस है आप किसके साथ हो, तो इसलिए वो एक जेनेरिक टर्म यूज करते हैं ताकि किसी को भी बुरा ना लगे, और बहुत कॉमन है, मतलब हर कोई यही पार्टनर ही यूज करता है हमेशा। और एक और बात यह है कि कोई भी ना अपने आप से अगर आपको बताए कि मैं मैरिड हूँ या मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो ही आपको पता चलता है, अदरवाइज ऐसा होता है बहुत टाइम तक अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो या आप किसी को जानते हो आपको पता भी नहीं होता कि वो रिलेशनशिप में है या नहीं, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्टली लोग नहीं पूछते आपसे कि तुम मैरिड हो, तुम्हारी कितने इयर्स की मैरिज है, कभी कोई नहीं पूछेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी से थोड़ा रिलेटेड है, जैसे हमने बोला अभी पार्टनर्स वगैरह होते हैं सबके, हमें नहीं पता कौन किसका पार्टनर है क्या भी है, बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऑफिस गैदरिंग से बात करता हूँ, ऑफिस लंचेस या डिनर्स पे हम जाते हैं या फ्रेंड्स के साथ भी बाहर जाते हैं आउटिंग्स पे, तो ये अपना जो मनी डिविजन है वो सेपरेट रखते हैं, जैसे मतलब हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ तो एग्जाम्पल, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है,
दोनों अपने अपने शेयर्स देते हैं, मतलब जैसे खाया है दोनों ने तो इक्वल अमाउंट वो देंगे, जितना खाया है जिसने उसके हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे मनी स्प्लिट बहुत ज्यादा मतलब यूज होता है, हाँ क्लियर होता है। इनफैक्ट जैसे इंडिया में हम कुछ एप्स यूज करते हैं, जो यंग जनरेशन है उन्हें पता होगा हम ऐप यूज करते हैं स्प्लिट वाइज, और उसके एक बंदा पे करता है बाद में डिवाइड करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, रेस्टोरेंट्स कैफेज हर किसी को पता है कि हर कोई अपना खुद का शेयर पे करना चाहता है, तो वही लोग खुद ही डिवाइड कर देंगे अमाउंट। आपसे पूछेंगे कि डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, पांच पार्ट्स है। जैसे स्टार्टिंग में मैं आया था फ्रेंड्स के साथ जाता था तो हमें बहुत वियर्ड लगा, उसे डिवाइड करना है हमें, मतलब डिवाइड क्यों, हम तो पांच लोग दोस्त आए हैं, एक जना पे करेगा बाद में उसे पे कर देंगे, ये हम करते थे हमेशा, मतलब हर जगह यही करते हैं। बट यहाँ पे नहीं, वो स्प्लिट उसी टाइम कर सकते हैं, तो सब अपने अपने कार्ड निकाल लेते हैं और उससे पे करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मली सुनोगे बोलते हुए आज कहा क्या करना है, पब चलते हैं, क्या करना है शाम को, पब चलते हैं, वीकेंड पे पब चलते हैं, आफ्टर ऑफिस पब चलते हैं। तो हर कोई मतलब पब कल्चर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो ऑफिस खत्म हुआ उसके बाद ड्रिंक्स के लिए पब जाएंगे, वीकेंड पे दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है पब जाएंगे, तो ये बहुत नॉर्मल चीज है कि हर कोई पब पब। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फिर हमारा? नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब लंदन की बेस्ट चीज है कि यहाँ पे मल्टी कल्चरल कुजींस मिलते हैं, आप पता नहीं वर्ल्ड के किस किस कोने का खाना ट्राई कर सकते हो, और बहुत रेयर होता है कि कोई अपनी जगह का स्पेसिफिक खाना ही हमेशा खाता रहे, तो मतलब यहाँ लोगों को ओपन टू एक्सपेरिमेंट, हर जगह का खाना अच्छा लगता है और अप्रिशिएट करते हैं बहुत। तो हाँ ओपन टू एक्सपेरिमेंट भी होते हैं कि हम ट्राई करें कौन सी कंट्री का कुजीन है, क्या नया है इसमें, तो ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, और चीज जो इंडियंस को मे बी या मतलब जो ईस्ट से आते हैं ना, उन्हें लगता है कि यहाँ पे ना हर जगह पैसा ही पैसा है, लोग बहुत रिच है और बिल्कुल अलग लाइफस्टाइल है, ओपन कार्स में घूमते हैं सब, ये सब सरासर झूठ है। मतलब एकदम जैसे नॉर्मल हर कोई रहता है यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही, और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बहुत पैसा है। हाँ जिनके पास है वो बहुत है, पर वो इंडिया में भी है कि रिच क्लास अलग है, मिडिल क्लास एकदम सेपरेट। तो यूजुअल यही है कि लोग एकदम नॉर्मल रहते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा ड्रेसअप करते हैं या एक्स्ट्रा उनके पास मनी है या बहुत ही लेविश कार्स में घूमेंगे, वो बहुत रेयर है। मतलब वो स्पेसिफिक मिक्स है, हर जगह जैसे मिक्स लोग होते हैं वैसे ही मिक्स यहाँ पे भी है। और जैसे मैंने बोला मिक्स लोग, वैसी सिमिलर लाइंस पे एक और चीज है, कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल एथनिसिटी, हाँ ओपन कल्चर एंड एथनिसिटी। तो मतलब आपको हर एथनिसिटी के, हर रिलीजन के, कास्ट सबके लोग मिक्सअप दिखेंगे, कोई ऐसे नहीं दिखेगा कि, मतलब अलग से आपको पता नहीं लगेगा, विच इज वेरी गुड। मिक्सअप हो जाते हैं, जेलअप हो जाते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी एथनिसिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। और कोई ऐसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं करता कि तुम्हारा रिलीजन क्या है या तुम कौन सी कंट्री से हो, आप खुद से बता तो ठीक है। पर मैंने मतलब स्किन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं देखा। मतलब मुझे लगता है इंडिया में फिर भी लोग एक दूसरे को जज करते होंगे पहली बार मिलके कि इसकी कास्ट क्या है या इसकी स्टेट कौन सी, जज नहीं करते यहाँ पे, बिल्कुल बॉदर नहीं करते। मतलब ऑफिसेस नॉर्मल कहीं पे भी ऐसे जज नहीं करते आपको। और आपका कोई फेस्टिवल है ना, जैसे दिवाली है या होली है, तो ट्रफलगर स्क्वायर पे सेलिब्रेट करते हैं, तो हर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, बड़ा पूछते हैं कि अच्छा तुम क्या करते हो इस फेस्टिवल में, इसमें क्या होता और वो है आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल, ऑफिस में ही हम होते हैं दिवाली, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा होता है हमारे साथ। जैसे उस दिन हम शायद मिठाई ना भी लाए ऑफिस में, बट उन लोगों में से कोई ब्रिटिशर्स में से कोई ले आ जाता है, आते हैं हमें अप्रिशिएट करने के लिए, मतलब कि आपका फेस्टिवल है तो मिठाई। हाँ। और मिठाई उन्हें पता होते, गुलाब जामुन, समोसे, सब पता होता है, तो वो खुद लाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हमारे साथ। तो मतलब ये भी एक कल्चरल शॉक है कि हमें इंग्लिश फूड इतना ज्यादा नहीं पता था, मतलब मुझे तो नहीं पता था कि हाँ ये स्पेसिफिक इनकी डिशेज हैं क्या है, पर उन लोगों को इंडियन फूड की इतनी अच्छी नॉलेज होती है ना, बटर चिकन, दाल, नान, सब कुछ उन्हें पता होता है कि अच्छा इंडियन फूड में ये भी है, ये भी है, और फिर वो पूछते हैं कि तुम्हें ये बनाना आता है, तुम्हारा भी वैसा ही टेस्ट करता है क्या जैसे हम रेस्टोरेंट से खाते हैं। और अगर आप उन मतलब बना के लेके जाओ, थोड़ा सा उनके लिए भी अलग से लेके जाओ ना, दे रियली अप्रिशिएट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है जो मेरे को चेंज एक्चुअली हर जगह ये दिख रहा है और यहाँ पे बहुत जल्दी दिख गया था,
यूथ इज वेरी वेरी फोकस्ड. आप जितने भी यंग जनरेशन है वो स्कूल में है, वो कॉलेज में है, वो जॉब कर रहे हैं, डजेंट मैटर, वो बहुत फोकस है कि उन्हें अपनी लाइफ कैसे आगे लिव करनी है. तो वो स्टार्टिंग से ही मेहनत करते हैं, अपना मनी सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर जगहों पे, तो वो बहुत अवेयर होते हैं. जैसे नॉर्मल है, हमें भी पता लग गया था SIPs एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से वो मैनेज करना जानते हैं, बल्कि हम इतना नहीं करेंगे जितना वो फोकस है अर्ली एज से. हाँ, और यहाँ पे करियर चॉइस बहुत, मेरे को लगता है उनको एक्सपोजर इतना ज्यादा है ना हाँ, कि वो अपनी करियर चॉइस के लिए बहुत ही क्लियर होते हैं, जो इंडिया एजुकेशन में के नहीं पीछे होता. नहीं भागते, वो एक्सपीरियंस के पीछे हाँ, भागते हैं और जॉब्स बहुत अर्ली एज से करते हैं, स्टार्ट. इसलिए वो हाँ मनी के लिए बहुत वाइज होते हैं. मतलब उन अपना मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से बहुत करते हैं, अच्छा. जो हमें लगता है इंडिया में इतना अभी तो नहीं सारे है. नहीं करते, यहाँ पे हाँ, ऑलमोस्ट जेनरिक की स्टेटमेंट में पास कर सकता हूँ, क्योंकि यही हमने देखा है होते हुए. और हमारे साथ इतने यंग बॉयज एंड गर्ल्स वर्क करते हैं और वो इतने ज्यादा स्मार्ट है मनी को लेके, इवन अपनी प्रॉपर्टीज भी ली हुई हैं, और अभी 24-25 ईयर्स के हैं, अपने अपने फ्लैट्स खुद बाय किए हुए हैं. तो हमें ये बड़ा अच्छा लगता है कि वाह, इनका मतलब थिंकिंग ही बहुत डिफरेंट है हमसे. मैं जब रहता था इंडिया में, मेरे को सन से बहुत एलर्जी थी. मैं धूप में जाना नहीं चाहता था, मुझे अंदर रहना पसंद था, एसी में रहना, मैं धूप में नहीं जाना चाहता था. यहाँ पे बहुत डिफरेंट दिखा वो, जैसी धूप निकलती है लोग बाहर जाना चाहते हैं, हाँ, या कोई सन घर में टैन नहीं होना रहना चाहते हैं, चाहता. घर में नहीं रहना चाहते, भाग. मतलब समर्स में, यूरोप में तो छुट्टी का टाइम होता है, समर्स में काम बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ सन कुछ होता ही दिन के लिए बहुत आता कम है. है. हाँ कुछ दिन हाँ, के लिए एक आता है, तो तो महीने के लिए एक्चुअल में आपको सनलाइट पार्क से अच्छी देखेंगे होती है. भरे होंगे पार्क, और क्या चेयर डाल के बस बैठे होंगे, बियर पी रहे होंगे, बस बैठे होंगे और कुछ नहीं, एंजॉय और अगर आप समर कर में किसी को बोलोगे ना, हम तुम्हारे घर आएंगे, वो ऐसे शॉक में चला जाएगा कि घर में अंदर, मतलब हम समर में अंदर क्यों रहेंगे, हम बाहर बारबेक्यूज करते देखेंगे. हो बाहर बैठ के अपने हाँ, गार्डन्स में, पार्क्स में, ओपन में, बट घर में नहीं. तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मुझे, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी रीडिंग की बुक वो होती है, शॉप्स शॉप्स, होती है, रीडिंग लाइब्रेरीज, कैफेज होते हैं, लाइब्रेरीज तो हर हर थोड़े घरों में छोट होती है, हाँ छोटे थोड़ी एरिया में. थोड़ी दूर पे लाइब्रेरी होंगी. और रीडिंग का बहुत कल्चर है, मतलब आप ट्यूब पे भी देखोगे लोग रीड कर रहे हैं, बस में रीड कर रहे हैं, रीडिंग तो इतनी ज्यादा करते हैं ना. और जो बुक शॉप होती है उनपे बच्चों की भीड़ होती है बुक्स अर्ली के एज पीछे. से हो जाता है, इनका स्कूल से स्टार्ट हो जाता है कि आपको रीडिंग करनी ही है, तो इतनी सबकी बुक्स. हैबिट होती है रीडिंग की. और इवेंचुअली शायद जब बड़े हो जाते हैं कॉलेज वगैरह के बाद, ये लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं, जैसे ऑनलाइन रीडिंग शुरू कर देते हैं, पर बुक्स के पीछे फिर भी बहुत क्रेज है, जो कि मुझे लगता है इंडिया में भी है पर उतना नहीं है जितने यहाँ क्रेजी है. और बुक्स की रेफरेंस इतनी देते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, ये उस बुक में था, ये उस सजेस्ट बुक में करते रहते था. हैं कि यू शुड रीड दिस बुक, आई एम रीडिंग दिस बुक, सो इफ यू लाइक यू शुड आल्सो गो फॉर इट. हाँ, और एक मेरे भी कंपनी में इवन बुक, रीडिंग क्लब्स हाँ, रीडिंग क्लब है जिसमें वो डिस्कस करते हैं, इस वीकेंड हमने ये पढ़ा, इस वीकेंड हमने ये पढ़ा. तो प्रॉपर डिस्कशन का टॉपिक होता है, जैसे हम सीरीज की डिस्कशन करते हैं. मैं तो बहुत करता था ऑफिस वगैरह में, स्कूल कॉलेजेस में, बट यहाँ पे बुक्स की भी डिस्कशन होती है, बहुत ज्यादा होती हाँ, है. मूवीज की, बुक्स की, तो वो कल्चर काफी ज्यादा है, तो वो मुझे पसंद है. नितेश को मैं भी इतना ना पसंद मुझे है. मुझे बोरिंग लगता है. जितने भी प्रॉपर ब्रिटिशर्स होते हैं, या फिर हम बोले जो प्रॉपर घर वगैरह लेते हैं, वो सब लंदन के बाहर प्रेफर करते हैं लेना. लंदन मानते हैं वो बहुत एक बड़ी सिटी है, शोर शराबा है, तो हाँ, लंदन के एक बड़ी सिटी के बाहर, हुहा के बाहर रहना था. एक्चुअल में हुहा ही बोलते हैं, वी आर स्टेइंग आउट ऑफ हुहा, तो रेगुलर कम्यूट करते हैं, बट घर जो है वो बाहर लेते हैं लंदन के. हाँ, लोग मतलब इंग्लिश लोगों को पसंद इतना नहीं है ज्यादा लंदन. पसंद नहीं होता लंदन, मतलब लंदन में बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स है, पर यस वो जो ज्यादा नेटिव्स इंग्लिश हैं, लोग हैं या नेटिव्स नेटिव्स, बहुत कम है. बहुत कम है. वो लोग बाहर रहना चाहते हैं बड़े बड़े घरों में, उन्हें ये हाँ फ्लैट कल्चर और टाइट टाइट स्पेसेस उन्हें नहीं पसंद खुला होते. एरिया पसंद है, तो वो बाहर आउटस्कर्ट्स में रहते हैं. सो अब हम पहुंचे हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि नितिश बताएगा. ट्रांसपोर्ट की लाइंस होती हैं, कॉफी शॉप पे लाइन लगती है, तो उसमें ये नहीं होता कि कोई भी ब्रेक करके आ जाए आपके आगे, और अगर आप लगता है कि कोई ऐसा आया है ब्रेक करके, तो आप उसे बोलोगे वो खुद पीछे चला जाएगा. फिर अगर उसे अनइंटेंशनली हो गया है तो पीछे चले जाएगा. तो ये ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि कोई रश नहीं करता पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, सब लोग सिस्टम से चलेंगे. वी होप आपको ये अच्छी लगी होगी यस, वीडियो और इंटरेस्टिंग लगी होगी. एक काफी डिफरेंट टॉपिक हमने पिक करा था,
we hope you liked it. And if you did like, then do like, comment, share and subscribe to our channel, Indian Couple in London. हमारा Instagram पेज भी है, Indian Couple in London. Do check that out, follow us. And because हम वहाँ पे अपनी live stories और reels वगैरह share करते रहते हैं, interesting content share करते हैं. और हमें suggestions, comment करके suggestions में बताओ कि और किस topic पे हम बनाएं, और क्या आप देखना चाहते हो, तो हम उसके according ही plan करेंगे अपना content. Okay then, see you in our next vlog. Bye!